जब तो कहते थे कि मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, आज अच्छे दिन यहाँ आ गए, रोड पर डले। गरीब को क्या पता है, गरीब को शाम को रोटी का पता है, या थक जाता है तो शाम को एक पौवा पी लेता है। कम से कम 10 लोग तो खत्म हो चुके हैं इसी टेंशन में कि हमारे घर मकान टूट गए। आजादी नहीं है, यह आजादी की बर्बादी है। जब वोट मांगने आते हैं, जब हमारे पांव छूते हैं वो कि हमें वोट दो, जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो हम लात मार लेते हैं। आज जो है जितना झूठ अच्छा लगता है उतना सच्चाई अच्छा नहीं लगती। मोदी जी सबसे ज्यादा झूठा है। तो हमने बोला कि फॉरेस्टर में है तो फॉरेस्टर इतने दिन तक कहाँ सो रही थी, और वहाँ भी हमको तलवार लटका रखी है, आप हटो यहाँ से, खाली करो जगह। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ इसलिए जुटी है कि इनके घरों पर जो बुलडोजर की दहाड़ चल रही है वो क्यों चल रही है, आखिर गरीबों के घरों को ही क्यों उजाड़ा जा रहा है, तो इसी पर अभी इन लोगों से ही जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। हाँ, तो क्या कुछ हो गया है, क्या मसला है कि यहाँ पर आपको आना पड़ रहा है बार बार? यही जी, झुग्गी झोंपड़ी तोड़ी जा रही है दिल्ली के अंदर, कहीं नोटिस लगाए जा रहे हैं, और कहीं हम 60-65 से रह रहे हैं महपालपुर रंगपुरी पहाड़ी। महपालपुर रंगपुरी पहाड़ी से आए हैं? रंगपुरी पहाड़ी से आए हैं, नाले से, और वहाँ भी हमको तलवार लटका रखी है, आप हटो यहाँ से, खाली करो जगह। वहाँ पर क्या झुग्गी झोपड़ी बने हुए या फिर अवैध निर्माण बिल्डिंगें बनाई हुई? नहीं, रंगपुरी पहाड़ी में नहीं है जी, रंगपुरी पहाड़ी में हम 60 से रह रहे हैं। वहाँ 60 से रह रहे हैं आप लोग? 61-62 से रह रहे हैं। और अब ये तोड़ने का जो अभी ऑर्डर आया तो अभी आया? हाँ, नोटिस दे दिया गया हमको। ये नोटिस कब दिया गया? ये नोटिस दे दिया गया था आपको मार्च में। ये इसी मार्च में? हाँ, इसी मार्च में। मार्च के बाद फिर हमने इन नेताओं के पास गए, उन्होंने बोला भैया झुग्गी हटानी पड़ेगी। हाँ, हमने बोला क्यों हटानी पड़ेगी, 61-62 से हम यहाँ रह रहे हैं, आप इतने दिन पहले कहाँ थे? कह रहा एरिया फॉरेस्टर में है। तो हमने बोला कि फॉरेस्टर में है तो फॉरेस्टर इतने दिन तक कहाँ सो रही थी, इतने दिनों तक फॉरेस्ट ने हमने सूचित क्यों नहीं किया गया? जंगलों में आता है आपका एरिया ऐसे बता दिया गया फॉरेस्टर में? अच्छा, तो हमने बोला कि इतने सालों पहले फॉरेस्टर कहाँ था, इतने दिनों पहले हमने सूचित क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रही है? आज हम 61-62 से रह रहे हैं तो 61-62 में फॉरेस्टर था ही नहीं, 70 में भी नहीं था। आज 70 का मेरे पास में बहुत दुनिया भर का पूरा पड़ा है, हर साल का प्रूफ है मेरे पास, अब वो फॉरेस्टर में कैसे चला गया? न्यू सिटी बन रही है ना, न्यू सिटी, न्यू इंडिया बन रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ झुग्गी झोपड़ी है पहले से ही भी थी। नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं ना न्यू सिटी, न्यू इंडिया। मोदी जी तो है ना, मोदी जी का तो मुंह खुला है, कुछ ही बोल देगा ये। मोदी जी ने दिया क्या गरीबों को? गरीबों को मोदी जी ने थप्पड़ दिया है? मोदी जी ने थप्पड़ दिया है, लात दिया है, भूख दिया है, और गरीबों को पढ़ाई से दूर वंचित किया है। भाई, आपको राशन भी तो मुफ्त मिल रहा है, राशन मुफ्त मिल रहा है? का है क्या राशन? अगर मोदी जी राशन दे रहा तो यहाँ तो नहीं खिलाया कुछ भी, आज कहाँ गए मोदी जी? मोदी जी का नहीं है राशन। तेलंगाना में सीतारमण जी जाती हैं तो बोलती हैं कि राशन मुफ्त दिया जा रहा है, तो मोदी जी की फोटो क्यों नहीं लगाई, वहाँ डांट देती हैं वहाँ पर? ये सब झूठ है उनकी। झूठ है? हाँ, बिल्कुल झूठ है। वित्त मंत्री है वो, वहाँ पे जाके बोल। हाँ, वो तो मंत्री क्या, उनके पास में पावर है, जैसे मर्जी बोल देते। अब पावर है जब ही तो बुलडोजर चला जाता है, अब हमारी पावर नहीं है कुछ भी, हमारे को तो भारत में जीने का अधिकार नहीं है, गरीबों का अधिकार नहीं है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ है आजादी? आजादी होती तो घर क्यों उजाड़ा जाता, आजादी नहीं है, ये आजादी की बर्बादी है, ये सब झूठ है उनका। तो मोदी जी तो इतना अच्छा कर रहे हैं, लोग तो उनको लाने की फिराक में है, 2024 में फिर से आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, आज जो है जितना झूठ अच्छा लगता है उतना सच्चाई अच्छा नहीं लगती। मोदी जी सबसे ज्यादा झूठा है।
झूठे हैं। आप बिल्कुल, प्रधानमंत्री देश का राजा है, बिल्कुल झूठा है। मैं बताऊं आपको, ये देखो मेरी बड़ी जायज मांग है, इसके लिए मैं आज कई सालों से घूम रहा हूँ, ये बूढ़े लोगों के लिए। क्या कर रहा है ये? मैंने जितना लेटर इनको देना था वहाँ दे चुका हूँ आज तक। क्या उम्र है आपकी, क्या उम्र है? मेरे केस बंद कर दिया, 70 साल हो गया। 70 साल की उम्र है और यहाँ पे आज रोड़ों पे बैठे हुए। हाँ बिल्कुल, राशन फ्री कर दो। मोदी जी सरकार की तो इतनी अच्छी बढ़ाइयाँ हो रही है लगातार, लेकिन आप लोग, देखो मैं बताऊँ आपको, गरीब को क्या पता है? गरीब को शाम को रोटी का पता है, या थक जाता है तो शाम को एक पौवा पी लेता है, बाकी इन चीजों का क्या पता है गरीबों को? क्या गरीबों को छुरी चलाई जाती है या फांसी दी जाती है? अच्छा, गरीबों के घरों पे ही बुलडोजर चल रहे हैं, जो सत्ताधारी हैं, निगम पार्षद हैं, सांसद हैं, उनके अवैध निर्माण है वो पता नहीं करते उनके बारे। उनका अवैध मकान हो ना, कोई नहीं छेड़ता। अरे पुलिस भी नहीं जाती उनके घर पे, पुलिस तो झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है। आज भारत की पुलिस जो है वो झुग्गी झोंपड़ी में जाती है, कोठी बंगले में नहीं जाती। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, तो ये आप ही आए हैं इसी वजह से? हाँ जी सर। तो सबका भारत है या फिर एक तरफा भारत की राजनीति गढ़ी जा रही है? एक तरफा करी जा रही है। हम आए फरीदाबाद, NIT फरीदाबाद, संजय नगर से। आज हमें 7-8 महीने हो गए झुग्गियों को तोड़े हुए। आज तक जबकि सीवर, बिजली, चाचा ट्यूबवेल, अरबों खरबों रुपए जो लगाए थे रोड़ों में, वो अरबों खरबों अगर आज हमारी बस्ती में दिए जाते तो हमको 10 गज जगह मिलती, 10 गज में ही गुजारा कर। अच्छा, आपके जब घरों पे बुलडोजर चल रहा है तो आपको ये बोला गया कि हम विस्थापन दे रहे हैं या फिर कहीं मकान दे रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं। आज जबकि मंत्री तक गए थे हम किशन पाल गुर्जर के पास, तो वो बोले जितनी जगह ली जाएगी वो इतनी लेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ, 8-9 महीने हो गए। गरीबों को मिटाया जा रहा है मोदी राज में? हाँ बिल्कुल, गरीबी नहीं, ऐसा कहा जा रहा है लोगों द्वारा। गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटा देंगे बिल्कुल। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आई आंटी आप? संजय नगर से आए। गांधी नगर से आई? संजय नगर, संजय नगर। अच्छा, तो वहाँ पे आपके घरों को भी तोड़ा जा रहा है? तोड़ दिया, साल है गए, तोड़ दिया। हम कहाँ रह रहे हैं आप लोग? किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रहता है, हमारे घर में नहीं है, हम अकेले रह रहे हैं खाली वैसे। घर का गुजर बसर कैसे? हाँ, कहाँ करें, मेहनत कर रहे हैं, घर ला रहे हैं, कहाँ करें, गरीब आदमी। 12 रुपया वो भी नहीं। मेरे कितने बच्चे हैं? एक लड़की, वो भी खा ली। घरवाल खत्म है, मेरा पति नहीं है। आप कुछ भी ना किराए पे? ये मोदी जी के राशन, जो फ्री राशन मिल रहा है, वो उससे कोई सुविधा मिल रही है? राशन में कुछ भी ना मिला, वहाँ तेल कुछ भी ना, चीनी बंद करा दी मोदी जी ने। खाली गेहूं मिल रहे हैं, खाली गेहूं मिल रहे हैं, तेल बंद करा दिया। गेहूं कितना किलो मिल रहा है आप लोगों को? जैसे 5 किलो एक आदमी पे, एक आदमी पे पाँच किलो मिल रहा है। आपके भी घरों पे बुलडोजर चला दिया? हम सब वहीं के हैं, हम संजय नगर के हैं। 2021 में झुग्गी, हमारे घर मकान सब तोड़ दिए। अब कोई कहीं रह रहा है किराए पे, कोई फुटपाथ पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, ऐसे ही गुजर कर रहे हैं। हमको झूठी दिलासा दी मोदी जी, तो महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। भाषण दिया था उन्होंने लाल किले, भाषण ही देते हैं लेकिन कर नहीं रहे। अगर वो करते ना, आज हम गरीब को उजारते नहीं, हमको कहीं जगह देते। आज हम अपने बच्चों को लेके बेघर दौड़ रहे। सीवर लाइन तक डाली गई है, सीवर डाली है, चार ट्यूबवेल लगाए थे और रोड बनाया था, अरबों खरबों रुपए लगाए थे, वो अरबों खरबों हमारी बस्ती को दे देते तो उसमें हमारा गुजारा हो जाता सबका। अभी तक हमारा जो घर तोड़े हैं ना, आधे रेलवे ने ले ली, आधे पे मॉल बनेगा, वहाँ पे आधे में मॉल बनेगी। ये किशन पाल और ये मोदी जी, ये खट्टा जी सब मिले हुए हैं। अब ये सुनवाई आ रहा है कि आधे में वहाँ पे मॉल बनेगा और आधा
रेलवे ने ले लिया है। गरीबों के घरों पे बुलडोजर क्यों चलते हैं? जो निगम पार्षद है, जो विधायक है, उनके घरों पर नहीं चलते? उनके वो पैसे वाले हैं, वो उनपे पैसे के जोर है। हम गरीब पे खाने का नहीं है तो हमारे घर पे इसलिए चढ़ा देते हैं बुलडोजर। जब वोट मांगने आते हैं, जब हमारे पांव छीते हैं वो कि हमें वोट दो, जब गद्दी पे बैठ जाते हैं तो हमें लात मार लेते हैं। अब इस टाइम हम बहुत मजबूर है कि अपने हमारे बच्चों को रोटी नहीं है, कहीं रेहड़ी लगा रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे कबाड़े बीन रहे हैं। आधे लोग तो हमारे, कम से कम 10 लोग तो खत्म हो चुके हैं इसी टेंशन में कि हमारे घर मकान टूट गए, हम कहाँ जाएंगे। तो हमारे कम से कम 10 लोग खत्म हो चुके हैं। ऐसा मोदी ने हमारे साथ बुरा कर रहा है। चाहती है सरकार से कुछ मांगना चाहती है, क्या कहना चाहती है? तो कम से कम हमें बसेरा तो दे, अरे खाने को मत दो तो छत तो दे दो कम से कम। वोट दी थी जब तो कहते थे कि मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, आज अच्छे दिन यहाँ आ गए रोड पर डले। जबकि भी 8,000 रुपए किराया देता हूँ मैं और 12,000 कमाने वाला, 8,000 रुपए किराया, 3,000 बिजली का बिल, 5,000 के किराया। जवान बेटी है तुम जैसी, एक बहू है, दो लड़के हैं, पढ़ाई छोड़ के ड्यूटी लग गए किराए के मारे, बच्चे पढ़ नहीं पाए हमारे, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। नहीं, अब पढ़ाई करेंगे किराया मम्मी कहाँ से देगी, पापा है नहीं है। तो मेरा बेटा ड्यूटी करने लग गया किराए के वजह से। अपना मकान होता तो कम से कम पढ़ तो लेता हूँ, इनके बच्चे पढ़ जाते हैं। हमारी बहुत बुरी हालत कर रही इस मोदी जी ने। 7,000 किराया दे रहे, 7,000 रुपये किराया महीना पे। अब तो कहाँ दे देंगे किराया बताओ, घर के बाहर कर दे, घर मकान वाले मैं कम कर रहा हूँ। हमें 70 साल है कम से कम रहते रहते मकान मने, 70 साल है मने रहते रहते सब रुपए मोह पे। देखा आपने किस तरीके से इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इनकी आंखों में आंसू अगर देख कर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरीके से इनका गुजर बसर हो रहा है, किस तरीके से ये अपने खाने पीने का जो गुजर बसर है, खाने पीने तक का एक जो इंसान जुटाता है वो तक नहीं जुटा पा रहे हैं। एक दिन का खाना जुटाने के लिए इन्हें इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, जो घर में झुग्गी झोपड़ियां जो बनी हुई है वो तक उजाड़ दी जा रही है। तो लगातार इस तरीके की जो राजनीति की जा रही है झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर, तो इनके आंखों में जो आंसू है वो आपको झकझोर देंगे अंदर तक कि किस तरीके से ये लोग आज रोड़ों पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से मोदी सरकार लगातार इनके जो बसेरा है उनको उजाड़ने में लगी हुई है। जिस तरीके से बुलडोजर की दहाड़ दिखाकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वही गोदी मीडिया यहाँ पर आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, कहीं पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर रोड़ों पर बच्चों को लेकर बैठी हुई है और अपने घरों की मांग कर रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक छत दे दी जाए। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।